नमस्कार, मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लाइड को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो जब भी अपलोड होंगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देखना आ जाएगी। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं मेष लग्न के जो जातक और जातिका हैं, वो आप अपनी कुंडली में किस तरह से प्रारंभिक छोटी सी जानकारी जो हम देना चाह रहे हैं कि आप कौन सी कैसे नौकरी व्यवसाय आदि के बारे में कौन से भावों को देखेंगे, कौन से ग्रहों को देखेंगे, जिससे और आपका व्यक्तित्व किस तरह से है उसके अनुसार आपको कौन से जो नौकरी है व्यवसाय है करना चाहिए, तो उसकी संक्षिप्त जानकारी हम जो मेष लग्न के जातक हैं इनके लिए देना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम देखिए, जब मेष लग्न है, ये लग्न जहाँ लिखा है एक नंबर का राशि है, तो ये मेष लग्न हो गया। तो मेष लग्न के जैसे आप जातक हैं तो आपको मालूम ही है कि आप जो लोग हैं बहादुर होते हैं, निडर होते हैं तथा आपका थोड़ा जल्दबाजी में अगर आप कोई निर्णय न ले, आप कोई भी निर्णय अगर आपका नौकरी व्यवसाय का लेना है तो आप जरा जल्दबाजी में न ले थोड़ा, और आप जैसे लोग जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं कि मंगल जो है एक साहस का कारक है, तो इसलिए मंगल के कारण आदमी में जोश रहता है, निडर रहते हैं, बहादुर रहते हैं। तो आप जब आप ऐसे इस तरह का व्यक्तित्व लेके जब आप चल रहे हैं तो आपको किस तरह के काम करना चाहिए वो हम कुंडली में देखना चाहते हैं। तो यहाँ से आपका व्यक्तित्व झलकता है, यहाँ पे जितना अच्छा ग्रहों का प्रभाव होगा आप उतने अच्छे निडर और व्यक्ति होंगे। ये पहला भाव का स्वामी मंगल की स्थिति कुंडली में अच्छी होनी चाहिए तथा आप जो कारक सूर्य है वो भी अच्छा रहेगा, तो वो केंद्र त्रिकोण में नीच नहीं होना चाहिए और राहु केतु के प्रभाव नहीं हो, तो आपका लग्नेश मजबूत हो जाएगा। आप लग्नेश मजबूत हैं तो आप सभी चीजें करने में आप में उमंग रहेगी। उसके बाद में आप देखिए, जब भी हमें नौकरी के लिए देखना है तो दूसरा भाव इसलिए देखते हैं कि धन है तो धन का प्राप्ति होना चाहिए। तीसरा भाव से आपकी रुचि दिखाती है, आपको इंटरेस्ट इच्छा शक्ति है, अगर ये रहेगी तो ही आप में वो नौकरी करने और ये सब में इच्छा रहेगी, और आपके जो आपके अनुसार जो नौकरी चाहिए वो मिलती है। वो तीसरा भाव अगर आपका मजबूत है, उसका प्रभाव अच्छा है, शुभ ग्रहों का प्रभाव है, चंद्रमा अच्छा है, तो आपको वो नौकरी या व्यवसाय करने में रुचि रहेगी। तो आपके रुचि के अनुसार कौन से काम है वो हम देखेंगे, क्योंकि थर्ड हाउस का बहुत इम्पोर्टेंस है। इसके बाद में चौथा भाव, इसमें जो नौकरी के लिए हमें जो पहला भाव, दूसरा, तीसरा, फिर नौकरी के लिए छठे भाव का जो संबंध है वो छठा भाव, क्योंकि आपकी डेली सेवा का करवाते हैं तो जो भी आप सेवा कर देते हैं उसके लिए तो छठा भाव नौकरी के, तो छठा भाव का संबंध धन भाव से हो जाए। दूसरे भाव, दसम भाव का जो हमारा कर्म भाव है, और ग्यारह भाव जो हमको पैसा देता है, तो ये भाव अगर आपका मजबूत है तो आप नौकरी करेंगे, क्योंकि नौकरी के संबंध जब भी आपका दूसरे भाव, दसम भाव और ग्यारह भाव से हो जाएगा। ग्यारह भाव हमारी इच्छा पूर्ति का है, यहाँ से हमको आय मिलती है, सब मिलती है, तो इनसे जब संबंध होगा तो आप नौकरी करेंगे। परंतु अगर व्यवसाय करना है तो हमें पंचम भाव जो है, पंचम भाव, सप्तम भाव और दसम ग्यारह भाव का अगर आपसी संबंध बनता है और छठा भाव कमजोर है और पांचवा, सातवां भाव मजबूत है तो आपको व्यापार करना चाहिए। तो इस तरह आप देखें कि ये भावों को ये देखेंगे, इनमें ग्रहों को देखेंगे इसमें, क्योंकि जो भी ग्रह हैं उसके अनुसार आपका व्यवसाय और काम होता है। तो आप देखें कि दसम भाव अगर मजबूत है तो आपको दसम भाव के अनुसार ही आपको
और जो ग्रह यहाँ बैठे हैं या यहाँ पे जो राशि बनती है उसके अनुसार आपको व्यापार करना चाहिए या नौकरी करना चाहिए। तो पहले तो हम ये बात करें कि आपको क्या क्या व्यापार वगैरह करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, उसकी हम जानकारी ले लें। तो ये जानकारी के लिए जैसे तीसरा भाव हमने बताया कि आपकी इच्छा है, कि जिसमें शोक रहता है, इच्छाएं रहती है, वो अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो इस जातक को अगर जो काम अगर टेलीफोन विभाग का आजकल जो चलता है, मार्केटिंग का, पत्र लेखन का, जिससे कि आप लोगों से मिल सकें वो करें, तो इसके लिए इस तरह के काम जिस पत्रकारिता का है, जो घूमना फिरना पसंद करते हैं, पर्यटन आदि में रुचि लेते हैं, तो इस तरह के काम में आप लोगों की रुचि रहती है। तो आप जब भी इस तरह के काम करेंगे तो आपको इंटरेस्ट बना रहेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, रुचि के हिसाब से, आपकी मतलब इच्छा के हिसाब से ये मेष लग्न को इस तरह के काम में आपको इंटरेस्ट रहता है। अगर आप व्यवसाय नौकरी करना, जीविका चलाना चाहते हो, तो आप एक अच्छे संवाददाता बन सकते हो, क्योंकि आप में व्याख्या करने की बहुत अच्छी योग्यता है। आप लेखन का कार्य कर सकते हैं, रेडियो दूरदर्शन पे कलाकार हो सकते हैं, आप उद्घोषक हो सकते हैं, अनेक भाषाओं का जानकार हैं हो सकते हैं आप। तो इस तरह से इस लग्न के जातक जो हैं इनको इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। फिर जैसे ग्रहों का प्रभाव रहेगा उस हिसाब से भी आपका काम रहेगा। जैसे यहाँ पे जो ग्रह बलि हो, मान लो दशम भाव का स्वामी शनि आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण में है, उच्च का है, तो आप शनि से रिलेटेड जो भी काम है वो कर सकते हैं। तो शनि के काम के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। इसके बाद में अगर लग्नेश बलवान है और उसपे शुभ ग्रहों का प्रभाव है, गुरु का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव होगा, तो आप मंगल के हिसाब से जो काम होते हैं, मंगल के काम, जैसे आप इसमें जो सेना में आप जाना चाहते हैं तो सेना के लिए मंगल अच्छा रहता है। आप पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो व्यापार वगैरह करना चाहते हैं वो आप भूमि का काम कर सकते हैं। तो इस तरह से मंगल अगर बलवान है तो आप इस तरह के काम कर सकते हैं, डॉक्टरी पेशा का काम कर सकते हैं। तो मंगल कब बलवान होगा? जब वो केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, शुभ ग्रहों से प्रभावित हो और उच्च का हो, स्वराशि का हो। जैसे यहाँ पे स्वराशि का हो जाता है मंगल, यहाँ दशम भाव में बैठ जाएगा तो उच्च का हो जाएगा। तो इस तरह का उच्च का हो के केंद्र त्रिकोण में उनका शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, जैसे इसमें जो गुरु का प्रभाव हो, सूर्य का प्रभाव हो, उससे युति बना रहे हो, तो आपको ये डॉक्टरी के पेशे में या फिर आप भूमि का जो लेना देना रहता है उसमें, इस तरह से अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो सूर्य और ये बृहस्पति का संबंध है, ये दशम भाव से हो जाता है, और मंगल का भी प्रभाव आ जाए तो आपको गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में भी आप अपना कार्य क्षेत्र कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर आपका ये दूसरा भाव जो धन का है और ये छठा भाव, दशम भाव और 11वां भाव, इसका मतलब है कि ये शनि शुक्र इनका प्रभाव और उनके उनका कुछ छठे भाव से चल रहा होगा, तो आप नौकरी अवश्य करेंगे, क्योंकि शनि नौकरी का कारक है, इसलिए वो नौकरी अवश्य करवाएगा और आप सेवाएं दे सकते हो। परंतु आपको व्यापार करना है तो आपका 5वां भाव जैसा सूर्य मजबूत होना चाहिए, शुक्र मजबूत होना चाहिए, उसके साथ इनका संबंध दसवें भाव और 11वां भाव से हो और दूसरे भाव से हो, तो आप अच्छे व्यापार कर सकते हैं। तो व्यापार जो करते हैं वो 7वां भाव में व्यापार, साझेदारी से अगर शुभ प्रभाव है तो आप साझेदारी में व्यापार कीजिए। अगर यहाँ पे पापी ग्रह राहु केतु का प्रभाव है तो आप स्वतंत्र व्यापार कीजिए, तो उससे आपको अच्छा फायदा होगा। तो जब भी इस तरह के हम देख रहे हैं कि संबंध एक दूसरे से बनना चाहिए, कि जैसे कि आप दूसरे भाव का शुक्र है और यहाँ बुध है, नौकरी का जो है कारक बुध है, फिर यहाँ पे नौकरी आना सेवा देने के लिए, और नौकरी यहाँ से देखते शनि, तो शनि शुक्र
और बुध का जब संबंध केंद्र में त्रिकोण में होगा तो आप, और ये भाव बलवान हो जाएगा तो आप नौकरी अच्छी करेंगे। परंतु इसी तरह अगर सूर्य का शुक्र का संबंध जो है आप शनि से हो जाता है केंद्र और त्रिकोण में, तो आप व्यापार करेंगे। और यहाँ पाप प्रभाव हो तो आप स्वतंत्र, पांचवा सातवें भाव पे मान लो राहु केतु का प्रभाव, तो आप स्वतंत्र व्यापार करेंगे, तो वो जो भी व्यापार करेंगे वो स्वतंत्र होगा। तो इस तरह आप अपने कुंडली में देख सकते हैं कि किस तरह से आप इसके अनुसार, ग्रहों के अनुसार आप अपना, भावों के अनुसार आप अपना व्यापार वगैरह कर सकते हैं। तो ये मेष लग्न के जातक के लिए जो चीजें बताई है वो आपको अच्छा है। तो मेष लग्न में जो अच्छे ग्रह कौन से हैं, सूर्य है, मंगल है और चंद्रमा है और बृहस्पति है, इनका जितना भी, और 11 भाव में जो भी ग्रह बैठते हैं वो भी अच्छा प्रभाव देते हैं। तो जो ग्रह बलि होगा लग्न से, लग्न बलि होगा तो मंगल के काम करोगे, अगर दशम भाव बलि होगा तो वो दशम भाव के जो मालिक शनि बनी है वो शनि का काम करोगे। अगर यहाँ पे बृहस्पति बुध का ज्यादा प्रभाव है और दशम भाव का शनि कमजोर है तो आप बुध व्यापार का कार्य करते हो, व्यापार करोगे। और बृहस्पति जो है और सूर्य का प्रभाव ज्यादा अच्छा दशम भाव पे होगा तो आप गवर्नमेंट के काम करेंगे या गवर्नमेंट में नौकरी करेंगे। तो इस तरह आप जान सकते हैं कि जो मेष लग्न के जातक हैं वो किस तरह से अपना काम वगैरह कर सकते हैं। ये लोग राजनीति में भी जा सकते हैं, अगर दशम भाव में राहु केतु का जैसा प्रभाव हो तो राजनीति में जा सकते हैं। और तो राजनीति में भी इनकी अच्छी पेट रहती है। और चतुर्थ और दशम भाव में का संबंध बनता हो तो आप बीमा, ये चतुर्थ भाव दशम भाव है तो आप बीमा में, अपना जीवन बीमा होता है या विद्युत सामग्री का काम होता है और दूसरी सेवा, संचार सेवाएं हैं वो आप कर सकते हैं। इस तरह से आपका संबंध चंद्रमा से भी बन रहा होगा तो ये होगा। तो हमने देखा कि मेष के जो लग्न के जो जातक हैं वो मंगल के कारण पुलिस और सेना की नौकरी करते हैं, और टेक्निकल शनि राहु केतु का प्रभाव दशम भाव पर रहता है तो वो लोग इंजीनियरिंग में काम करते हैं। अगर बुध और बृहस्पति का प्रभाव अगर रहेगा तो फौजदारी, वकील। मंगल का प्रभाव और सूर्य का प्रभाव अगर रहता है तो आप सर्जन वगैरह का काम कर सकते हैं। तो ऐसे वो जो काम है वो आपके लिए काम कर सकते हैं। रेडियो, टीवी वगैरह निर्माण, मरम्मत करना वो बुध के कारण होगा, और वो टेक्निकल राहु का प्रभाव होगा। तो राहु केतु शनि मंगल का होगा प्रभाव दशम भाव है लग्न पे, तो वो टेक्निकल काम करेगा, और बृहस्पति बुध शुक्र का प्रभाव होगा तो नॉन टेक्निकल काम करेगा। तो नॉन टेक्निकल और टेक्निकल काम आप देख ही सके हैं। अगर चौथे भाव से संबंध है तो भवन निर्माण का काम करेगा वो, और खनिज पदार्थ वगैरह का भी काम इसी से होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रहों का प्रभाव किस तरह से हो रहा है, उस तरह का आप अपना काम ले सकते हैं। और अगर नौकरी है तो नौकरी का भाव का छठे भाव का संबंध जो है बुध का संबंध है, जब यहाँ बजे से दशम भाव में हो गया है और 11 भाव से हो और दूसरे भाव से हो तो ये नौकरी कर सकते थे, ये जातक नौकरी कर सकता है, छोटा मोटा व्यापार कर सकता है। बृहस्पति उच्च का है और सूर्य अच्छी पोजिशन में है, इसलिए यहाँ पे 11 भाव में सूर्य है और यहाँ बृहस्पति की दृष्टि दशम भाव पे है, तो जातक गवर्नमेंट का में अपना काम व्यवसाय भी कर सकता है गवर्नमेंट लोगों से, या और वहाँ पे अच्छी नौकरी भी कर सकता है। इस तरह शुक्र मंगल का योग है तो शुक्र रिलेटेड काम कर सकते हैं, शुक्र मंगल मंगल के काम भी, आप जो भी ग्रह आपको ज्यादा बलवान है और वो प्रभावित कर रहा है दशम भाव को, लग्न को, तो उस तरह के काम आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको हमने साधारण सी जानकारी दी है, तो आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि अगर मेष लग्न के जातक हैं तो आपको जो काम करना है वो पुलिस में, सेना में कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, फौजदारी, सर्जन, ड्राइविंग का काम है, रेडियो टीवी का काम है, विद्युत का काम है, केबल
कि सूर्य जो और मंगल है ये विद्युत के लिए हो जाते हैं, अग्नि संबंधित काम, क्योंकि 159 वाले जो है ये जो अग्नि तत्व कहलाते हैं, और केंद्र और त्रिकोण में जितने अच्छे ग्रह रहते हैं, 1, 4, 7, 10 और 5, 9 में जितने अच्छे ग्रह रहेंगे ये वाले तो आपको अच्छे देते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि दशम भाव लगने पे राहु केतु शनि का प्रभाव होगा, टेक्निकल काम होगा। इन्हीं पे बृहस्पति बुध शुक्र का प्रभाव होगा तो नॉन टेक्निकल काम होगा। इस तरह से आप अपने कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। धन की प्राप्ति जब ये अच्छी होगी, जब शुक्र की पोजीशन अच्छी होगी। आय भाव मजबूत करने के लिए शनि की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। नौकरी और उसका कारक जो है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सूर्य बुध गुरु और शनि ये सब दशम भाव के कारक है, तो इनके कारकों की पोषण भी केंद्र त्रिकोण में अच्छी रहेगी तो आप नौकरी अच्छा कर सकते हैं। व्यवसाय करने के लिए शुक्र की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। शुक्र जैसा यहाँ पे अच्छी स्थिति में है तो शुक्र अच्छा होगा। और इनका संबंध पंचम भाव नवम सातवें भाव का, आपका नौकरी के भाव से, आय के भाव से, धन के भाव से जब बनता है तो आप अपना व्यवसाय कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर आप मेष लग्न के जातक हैं तो अपने कुंडली का इस तरह से आप संक्षिप्त में जो जानकारी आपको हम देना चाहते थे वो दी है, जिससे कि आपको एक गाइडलाइंस मिल सकती हैं आपको अपने जो भी कैरियर बनाना है, व्यवसाय करना है, उसकी एक छोटी सी हमारी तरफ से प्रयास किया कि आपको जो भी जातक हैं मेष लग्न के और जातिकाएं हैं वो अगर अपना फील्ड चुनना चाहते हैं। शोक के लिए आपने बोला आप शोकीन हैं तो बुद्धि के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। तो बुद्धि की चीज़ों के बारे में आजकल तो बहुत इम्पोर्टेंट चल रहा है सब कि जो भी जो सॉफ्टवेयर के काम होते हैं उसमें बुध का अच्छा रोल होता है, साथ में शुक्र का रोल होता है, राहु केतु टेक्निकल होता है, और शोक है तो आपको बुध के जो काम है उनका शोक रहेगा, उसकी रुचि रहेगी तो उस तरह के काम रहेंगे। लग्न बलवान हो गया तो आपको सेना मिलिट्री में जाने का अच्छा चांस है, आप पुलिस में जा सकते हैं। और दशम भाव बलवान होता है शनि के कारण तो आप अच्छी नौकरी कर सकते हैं। और यहाँ पे अच्छे ग्रहों का प्रभाव सूर्य का हो, बृहस्पति का हो तो गवर्नमेंट में कर सकते हैं। इस तरह से व्यापार के लिए आपने देखा कि ये जो सप्तम भाव है वो पंचम भाव, इनका संबंध दूसरे भाव धन भाव आय भाव और कर्म भाव से होगा तो आपका व्यापार अच्छा चलेगा। और ये व्यापार अगर आप साझेदारी में करना चाहिए तो ये सप्तम भाव और शुक्र अच्छा होना चाहिए। अगर ये स्थिति अच्छी नहीं है, यहाँ पे पापी ग्रहों का प्रभाव है, तो आप अपना खुद का काम कीजिए, उसके लिए आपका वो स्वतंत्र काम में अच्छा रहेगा। तो इस तरह हमने जो भी जानकारी है मेष लग्न के जातक के लिए आपको देने की कोशिश की कि आप अपनी कुंडली में इस तरह से देखकर निर्णय ले सकते हैं। आपको अगर टेलीफोन पर परामर्श चाहिए है तो मैं शैलाधर हंसीलाल चौरे, मेरा मोबाइल नंबर है 9893234239। अगर आप टेलीफोन से परामर्श चाहते हैं तो मामूली दक्षिणा आपको दे रहेगी। तथा आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया कर अपने हमारी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को जानकारी दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।